डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचे, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटीजेई, मेंस, एडवांस का हो या किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही डॉट नेट पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड डॉट नेट ऐप। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण देश के अंदर सभी प्रकार के एग्जाम का डेट जो है बार बार बढ़ाया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इंतज़ार का घड़ी जो है लंबी होती है, लेकिन इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार बिहार ITI, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल में सभी को मिलेगा मनपसंद कॉलेज, और मनपसंद कॉलेज क्यों मिलेगा इसका कारण भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो ITI बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो 4/12/2020 जो है रखा गया है। 4/12/2020 को आपका ITI का प्रवेश परीक्षा होगा। वहीं पॉलिटेक्निक का बात किया जाए तो आप याद रखेंगे कि 26/11/2020 को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा, और जो पारा मेडिकल का एग्ज़ाम होगा वो 27/11/2020 को होगा। और एडमिट कार्ड के संबंधित जैसे ही कोई नोटिस जो है आएगा, एडमिट कार्ड जैसे ही जारी किया जाएगा तो हम आप लोग को ज़रूर जो है बता देंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है अब बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार बिहार ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल के सभी छात्रों को एवं जो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मनपसंद कॉलेज मिलेगा। अब इसका कारण क्या है, कारण समझिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस के कारण जो एग्ज़ाम का डेट है वो बार बार बढ़ाया गया है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट ने इंतज़ार करना छोड़ दिया है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी मैट्रिक बेसिस पे फॉर्म भरे थे वो, और कुछ स्टूडेंट जो है इंटर बेसिस पे भी फॉर्म भरे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट या फिर कह लीजिए 50% स्टूडेंट जो है इंतज़ार करना छोड़ दिया है इस सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम का, और वो या तो इंटर में या नहीं तो ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले चुके हैं। और इससे होगा क्या कि आपका जो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे उसमें से केवल 50% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देंगे। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका कंपटीशन डायरेक्ट आधा हो जाएगा, और कंपटीशन जैसे ही आधा होगा तो बच्चे भी वहाँ पर आप 50% बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों को जो है कंपटीशन कम होने के कारण वहाँ पर जो आपको मन पसंद जो है कॉलेज मिलने की 100% यहाँ पर संभावना है। तो कारण आपने समझा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर आप लोगों को मनपसंद कॉलेज जो है मिलने की संभावना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अगर जितने भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इंटर में या फिर आपके ग्रेजुएशन में, तो उससे होगा क्या कि जब तक जो है अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक टाइम पर आप 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं। या तो आप इसमें से कोई एक कोर्स कीजिए या फिर आप ग्रेजुएशन या फिर इंटर कीजिए, तो ऐसे में आपका कंपटीशन डायरेक्ट आधा होगा। और एक चीज़ की लेकिन ज़रूरत है, अगर आप मनपसंद कॉलेज पाना चाहते हैं तो इसमें आपको बस एक काम करना है कि अभी से आपका एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत ही कम जो है एग्ज़ाम का समय बचा हुआ है, तो इसमें आप कीजिए ये कि अभी से अधिक जो है प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। अगर आप सही में अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी वही बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे जिन जो सही में इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं हमें पॉलिटेक्निक ITI फिर या फिर पारा मेडिकल में ही एडमिशन लेना है, तो आप अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दें कि हम सभी सब्जेक्ट का जो है तैयारी करवाए हैं, तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। सिंपली आपको वीडियो प्ले कर देना है और ध्यान से देखना है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बेहतर तरीका जो है तैयारी करने का, रिवीजन करने का यही है। और प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलता है वो अटेंड कीजिए। मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अगर सही में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बार अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस जितना भी टाइम बच गया उस टाइम को अधिक से अधिक जो है अपने रिवीजन में लगाइए, अपने प्रैक्टिस में लगाइए। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर जो है वीडियो प्ले कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज़्यादा और इससे अच्छा जो है आपको बता दें कि प्रैक्टिस करने का कोई भी अवसर आपको जो है नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोग जितने भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से जो है मन से जो है पढ़ाई कीजिए, और आपका कंपटीशन सीधा समझ लीजिए कि हाफ हो चुका है, 50% बच्चे ही इस बार एग्ज़ाम
देने वाले हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आधे बच्चे क्या हैं, एबसेंट हैं, और इससे आपको कॉलेज पाने में बहुत ही क्या होगी, सहूलियत होगी, क्योंकि कंपटीशन आधा हो जाएगा, बच्चे आधे होंगे, तो आपको सीट और जो कॉलेज है और जो ट्रेड है वो अच्छा मिल पाएगा। आशा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।